ये व्हाइट था ना, तो देखो क्योंकि गरम तो ब्राउन हो गया है, तो फिर हम थोड़ा सा और इसको ब्राउन करेंगे। अभी ऐसे दिखा ही नहीं लिट। तो बोले क्यों नहीं हो? अरे हमको लगा हम आपका प्रोसेस है, हमको अब डालना रहता है, अब डालना रहता है, इधर तो देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग है संडे ब्लॉग और हम बनाने वाले हैं पास्ता। मैं जा रही हूँ बनाने पास्ता और मुझे असिस्ट करेंगे नीरज भैया। आगे आइए, मैं शेफ हूँ और ये भाभी मुझे सिखाने वाली हैं। तो मैं खुद भूल चुकी हूँ लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम हमने बनाया था, काफी ठीक ठाक बना था। तो आज का मेन्यू है पास्ता और क्योंकि इन दोनों को, इन दो राक्षसों को चाहिए भर के एक भगोना पास्ता। तो ये मुझे नहीं पता कि एक भगोना की रेसिपी क्या होगी, लेकिन मुझे एक बोल की रेसिपी पता है, तो उसी के हिसाब से हम जो है इंग्रीडियंट, हाँ इंग्रीडियंट हम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप कुछ अच्छा बने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमने पास्ता ऑलरेडी उबाल लिया है एंड पास्ता है हमारा 400 ग्राम और साथ में यहाँ सामान हम देख लेते हैं। तो है शिमला मिर्च एंड है स्वीट कॉर्न जो कि ऑलरेडी बॉयल है एंड फिर है यहाँ पर चीज़, बटर, मैदा, चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, ये सब कुछ है। और साथ में है मिल्क, मिल्क ऑलमोस्ट 1 लीटर है और ये फुल क्रीम अमूल का मिल्क है। ऑलरेडी मैंने इसको गर्म वर्म करके रख दिया है। अब हम कढ़ाई में डालते हैं बटर। बटर में लगभग 2 चम्मच डालूंगी भर भर के क्योंकि मुझे टेस्टी सा बनाना है। एंड गाइज यहाँ 2 चम्मच डालने के बाद फिर मैंने मैदा डाल दिया। मैदा मैंने 2.5 चम्मच डाला है मैदा, क्योंकि ऐसा चाहिए, थिकनेस भी चाहिए और ये लगभग 1/2 किलो मान के चलो पास्ता है तो थिकनेस चाहिए थोड़ी सी, इसलिए मैंने 2.5 चम्मच डाला है। मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। वो शेफ वगैरह यूज़ करते हैं ना बहुत गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ देखिए हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, लगभग 1 ही मिनट के बाद हो गया था यार, क्योंकि ऑलरेडी ये कढ़ाई गर्म रहती है, मैं वो बटर भी गर्म रहता है तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है। फिर मैं इसमें मिल्क डालने वाली हूँ एंड हाँ 1 लीटर मिल्क रहेगा तो उसमें से थोड़ा सा यार बचा लेना बाद के लिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको पूरा बना देते हो ना तो ये बिल्कुल ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। तो मिल्क यहाँ समझ लो आप 1 लीटर था, 1 लीटर में थोड़ा सा मैंने 2 कप बचा लिया था, बाकी मैंने मिल्क इसमें डाल दिया था। एंड मिल्क डालने के बाद आप ये देखिए विस्क इसको चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, तो आप इसको चलाते रहना। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है ताकि थोड़ा सा मतलब स्पाइसी सा लगे। नमक डाल दिया था मैंने और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पास्ता। पास्ता डाल के मैं इसको मिला रही हूँ, देख रहे हो थिकनेस आ गई है इसमें एंड ऑलरेडी फुल क्रीम मिल्क था इसलिए और भी मतलब थिकनेस हो गया है उस क्रीम से भी एंड ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। मतलब रिकॉर्डिंग को लेके मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी कि मैं पास्ता में सब कुछ डाल दिया, मैंने चीज़ भी डाल दिया, नमक और सब कुछ डाल दिया, लेकिन मेन जो शिमला मिर्च था और जो क्या कहते हैं स्वीट कॉर्न था ये मैं भूल गई। और मैं तब से सोच रही हूँ कि क्यों अजीब सा ये लग रहा है सादा सा, फिर मैं देख रही हूँ यार शिट मैं तो दोनों चीज़ भूल गई, फिर मैंने लास्ट में डाला एंड थैंक गॉड कि कैप्सिकम जो है वो क्रंची अच्छा लगता है, मतलब हल्का सा कच्चा रहता तो अच्छा लगता है एंड स्वीट कॉर्न ऑलरेडी उबला हुआ था तो इसलिए कोई टेंशन नहीं था। दोनों चीज़ मैंने डाल दिया लास्ट में एंड फिर इसको घुमाया और देख रहा थोड़ा सा ये ड्राई हो गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ भूलने से जो है मुझे कढ़ाई में उतार नहीं सकती थी, दोनों को मिक्स करना था। तो गाइज़ रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डालना भूल गई थी जो मैंने लास्ट में डाला एंड अब मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये गाढ़ा हो गया है, तो मैं लास्ट में जब सर्व करूँगी तो थोड़ा सा मिल्क डाल दूँगी। एंड यहाँ मैंने डाला ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स और ये दोनों डाल के मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। एंड प्लीज़ नमक डालना मत भूलिएगा, अपने हिसाब से आप नमक डाल दीजिएगा जैसा भी चाहिए। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, एक जो स्वीटनेस चाहिए था वो इसमें बरकरार था और मुझे सही लगा। और चलते हैं इन दोनों बुकर से हम इनका रिव्यू लेते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। भैया वाला देखो जरा कैसा गाइस,
बस मुझे वही चाहिए आप लोग का एक्सप्रेशन ऐसे हाथों से, क्योंकि इसमें वॉइस में आप लोग का म्यूट करूंगी। आप ही बताओ।